हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शाह और उत्तराखंड जुडिशरी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप भी नई क्लासेस लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी लर्नर्स ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपको देखने मिलेंगी जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलते हैं, क्लासेस भी आपको लाइव देखने मिलेंगी। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने से पहले हम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि क्या आप एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे पहली आपको कंडीशन देखने मिलेगी बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है, तो एलएलबी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। दूसरा आपको जो कंडीशन है वो है कि आपके पास हिंदी की नॉलेज हो, और तीसरी आपको जो कंडीशन देखने मिलेगी इसेंशियल है वो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मतलब कंप्यूटर आपको बेसिकली चलाना आना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको फर्स्ट स्टेज जो होती है वो प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगी, प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है। दूसरा मुख्य परीक्षा जो कि मेंस एग्जाम है, आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, लिखित फॉर्म में। तीसरा आपको मौखिक परीक्षा जो कि आपका इंटरव्यू है। तो डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले अगर आप बात करें तो प्री की, तो प्री में आपका टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 150 आपका लॉ देखने मिलेगा, पार्ट सेकेंड जो है 150 नंबर का, और 50 नंबर पार्ट वन है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग है, आप लोग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। पार्ट वन जनरल नॉलेज की बात करते हैं जिसमें आपको लीगल फेजेस देखने मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉ भी देखने मिलेगा यहाँ पे, न्यूट्रलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, फिर आपका कोई रिसेंट केस है, लॉ बना है, वो सब चीजें आपको देखने मिलेंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली लीगल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सारे आस्पेक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं, प्लस आपको जीएस भी देखने मिलेगी, लेकिन लीगल जीएस आती है यहाँ पे। पार्ट टू की बात करें जो कि लॉ का पार्ट है, 150 नंबर टोटल वेटेज रखता है, जिसमें सब्जेक्ट देखिए आप लोग, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक टीपी आता है, प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, ठीक है, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, फैमिली लॉ बेसिकली आता है। फिर आपको एविडेंस एक्ट देखने मिलेगा, सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, माइनर एक्ट्स नहीं पूछे जाते। आपका जीएस प्लस आपका लॉ में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको प्री में देखने को मिल जाएंगे। प्री एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम की स्टेज आती है, तो जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके 10 टाइम स्टूडेंट को कॉल आती है मेंस के लिए। तो उसमें सब्जेक्ट देखें, अगर आप मेंस की बात करते हैं तो मेंस में टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट है द प्रेजेंट डे, 150 नंबर वेटेज, अच्छी खासी वेटेज है। फिर लैंग्वेज का पेपर 100 नंबर वेटेज रखता है। उसके बाद अगर आप बात करें लॉ के पेपर्स की, तो पहला पेपर लॉ पेपर है सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा पेपर है आपका एविडेंस एंड प्रोसीजर, और तीसरा पेपर आपका रिवेन्यू एंड क्रिमिनल देखने को मिलेगा। 200 नंबर वेटेज है, ठीक है, लैंग्वेज 100 नंबर वेटेज रखता है, प्रेजेंट डे 150 नंबर वेटेज। जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन जो है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो होती है वाइवा की, जो कि 100 मार्क्स का आपका कंडक्ट कराया जाता है। मेंस में जो फर्स्ट पेपर है वो आपका प्रेजेंट डे का पेपर है, यूनिक सा पेपर देखने मिलेगा, जो बाकी स्टेट में ऐसा कोई पेपर का नाम नहीं रखा जाता, प्रेजेंट डे है ये, 150 नंबर वेटेज रखता है, जिसमें क्या पूछते हैं नॉर्मली आपसे, जनरल नॉलेज आपकी बेसिकली चेक किया जाता है कि इंडिया और वर्ल्ड में जनरली क्या चल रहा है लीगल स्फेयर में बेसिकली, ठीक है। इसमें लेकिन आपका एक्सप्रेशन इन इंग्लिश जरूर मतलब इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर आपने ग्रामर मिस्टेक किया है, मिस यूज किया है, ऑफ वर्ड्स इस यूज करें तो उस केस में आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे मार्क्स भी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। अगर आप बात करें इसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्यूरिसप्रूडेंस इंक्लूड है, इंटरनेशनल लॉ है, न्यूट्रलिटी है, रीसेंट लेजिस्लेचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्पेशली आपको देखने मिलेगा कि स्पेशल जो है इम्फेसाइज आपको किया गया है लीगल एस्पेक्ट पे, तो लीगल एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग इंडिया और वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस पेपर में। नेक्स्ट पेपर आता है लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज में बहुत छोटा सा पेपर देखने को मिलेगा आपको, इसमें क्या ट्रांसलेशन आती है बेसिकली आपकी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 30-30 नंबर की, और 40 नंबर का इंग्लिश प्रेस से राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये क्राइटेरिया 100 नंबर का वेटेज रखता है लैंग्वेज पेपर आपका। मेंस में जो थर्ड पेपर है वो लॉ का पेपर वन है, बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ का, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है वो देखते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पूछा जाता है बेसिकली आपसे, ठीक है, उसके टॉर्ट पूछा जाएगा आपसे, लॉ रिलेटेड इजमेंट भी पूछा जाता है, पीपीए आपका आता है सब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी भी इंक्लूड किया गया है। फिर आपको देखने मिलेगा लॉ ऑफ ट्रस्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और साथ ही आपको हिंदू और मुस्लिम लॉ भी पूछा जाता है आपसे, ठीक
है, तो फैमिली लॉ भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, इजमेंट एक्ट, टॉर्ट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे पेपर नंबर 1 जो कि लॉ का है। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है, 2 नंबर वेटेज है, 3 घंटे का एग्जाम होता है। नेक्स्ट पेपर की बात करें तो एविडेंस एक्ट एंड प्रोसीजर की बात करते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट देखने मिलेंगे आपको, तो इसमें आपको एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो कि सीआरपीसी है, और इसके साथ आपको सीपीसी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें साथ में इंक्लूड किया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लीडिंग। ठीक है, प्लीडिंग्स वाला भी पार्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा बेसिकली। तो ये आपका एविडेंस एंड प्रोसीजर का सब्जेक्ट है, 200 नंबर वेटेज, 3 घंटे का पेपर होता है। तो आपको नेक्स्ट पेपर है फिफ्थ पेपर जो कि लॉ का पेपर नंबर 3rd है, रेवेन्यू एंड क्रिमिनल पेपर। इसमें आपका यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, ठीक है, जो एप्लीकेबल होता है उत्तराखंड में। और उसके बाद जो मेजर एक्ट है यहाँ पे वो है आईपीसी, तो इंडियन पिनल कोड यहाँ पे पूछा जाता है, तो वेटेज अच्छी खासी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है और आईपीसी, दोनों की वेटेज आपको 200 नंबर की देखने मिलेंगे, 3 घंटे का एग्जाम होता है। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है जो कि आपका कंप्यूटर ऑपरेशन के रिगार्डिंग देखने मिलेगा, कि कंप्यूटर आपको आता है नहीं चलाना आता। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो है आपको 40 नंबर लाना कंपलसरी है, 100 नंबर का पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर है बेसिकली। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, वो 5 चीजों में पूछे जाएंगे। पहला आपको विंडोज एंड इंटरनेट, ठीक है, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप इंटरनेट विंडो कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनेट आता है नहीं आता आपको, वर्ड की बात करें, एक्सेस की बात करें, एक्सेल की बात करें, या पावर पॉइंट, ये आपको ऑपरेट करना आता है नहीं आता, ये बेसिकली चेक किया जाता है आपसे। 5 एक्शंस परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे, सबकी वेटेज 4 4 नंबर है, बेसिकली 20 20 नंबर के 5 पार्ट डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का पेपर होता है जिसमें 40% लाना आपको कंपलसरी होगा। फाइनल स्टेज आती है, वो होती है इंटरव्यू की। ठीक है, जितनी सीट्स होती हैं उसके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू कॉल आती है, 3 टाइम्स कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है बेसिकली, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। 100 मार्क्स आपकी वेटेज है। अगर आप भी पीसीएस जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अन अकेडमी आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं आनंद सर लाइव, इसमें 10% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा आपको, जिसमें चांस है आपको थाउजेंड ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ कम्पीट करने का और अपने गोल को अचीव करने का। एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोग्राम के लिए बहुत सारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, 15 तारीख से ऑलरेडी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जो कि राजस्थान और हरियाणा मेंस के लिए है। इसके अलावा बहुत सारे आपको बैचेस देखने को मिलेंगे, टोटल 15+ बैचेस देखने को मिलते हैं आपको। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको आनंद सर लाइव कोड यूज करके 10% का फ्लैट ऑफ ले सकते हैं आप लोग। इसके साथ अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपका जो मेंस फोकस टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप होगा, इसके साथ ही आपको लाइव डाउट सॉल्विंग एडुकेटर मिल जाएंगे आप लोगों को, प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं सारे आप लोगों को मिलते हैं। अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलती हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, जुरिसप्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल एक्ट, सारे स्टेट से कवर कराए जाते हैं, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसके अलावा जितने अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जो सारे जुडिशियल एग्जाम में आते हैं वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा आपको, जहाँ से आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स की बात करें तो आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस कंडक्ट कराई जाती हैं, लाइव टेस्ट और क्विज़ कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेगा, कोर्सेस आपका टाइम पे कंप्लीट कराया जाता है और क्लास के नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। T20 मॉक टेस्ट सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पर देखने को मिलेगी, जो आईपीसी मंडे, सीआरपीसी ट्यूजडे, सीपीसी वेडनेसडे और एविडेंस एक्ट थर्सडे, और मिक्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको फ्राइडे देखने को मिल जाते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइस प्लान की बात करें तो 1 महीने से लेके आपको 24 महीने तक के प्लान अवेलेबल हैं, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कोई प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे 24 मंथ्स का प्लान जो कि 55,000 का है, अगर आप ये कोड यूज करते हैं आनंद सर लाइव, तो 10% का फ्लैट ऑफ होने के बाद ये आपको पड़ेगा 49,500 का। इसमें ईएमआई ऑप्शन भी आप लोगों को 0% इंटरेस्ट पे देखने को मिलती है। 6 महीने, 12 महीने, 18 और 24 महीने के प्लान पे आपको ईएमआई ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि 0% इंटरेस्ट पे होगा। इसके बाद हमसे आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी जुडिशी के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आपको फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग आनंद मिश्रा 10 के नाम से।